प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह नित्य प्रति का अनुभव है कि निद्रा से जागते ही संसार अकस्मात प्रतीत होने लगता है, यह कहां से आता है महाराज? प्रश्न क्या है कि यह हमारा रोज का अनुभव है कि जब भी हम नींद से जागते हैं तो हमें संसार प्रतीत होता है, ये कहां से आता है? महाराज क्या कहते हैं वो सुनिए। महाराज कहते हैं, कोई भी वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर सके इससे पूर्व कोई होना आवश्यक है, जिसके निमित्त वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर प्रकट हो रही हो। सभी वस्तुओं की प्रतीति और विलुप्ति होने की प्रक्रिया में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन की पृष्ठभूमि के रूप में एक परिवर्तन रहित तत्व को मानना ही होगा। बड़ी खतरनाक भाषा है, अगर कोई अज्ञानी भी ऐसी भाषा में बोलने लग जाए तो हम क्या समझेंगे, बड़ा ज्ञानी है, बस वो तो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने एक छवि बना ली ना कि साधु संत ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, तो क्या होगा कि भाषा कोई भी रख लेगा और फिर उन शब्दों में बोलने लग जाएगा, उस भाषा में बोलने लग जाएगा, वैसे कपड़े पहन लेगा, उसका पहनावा वैसा हो जाएगा। अब सोचो ऐसी भाषा में कोई आकर आपसे बात करे या संस्कृत भाषा में आपसे बात करे, तो जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वो तो बिल्कुल उसको साधु संत घोषित कर देंगे, संस्कृत बोले नहीं कि तुम महात्मा हो गए, साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो साधु की संत की ज्ञान की छवि मत बनाना, और अगर ऐसा दिखे ना साफ साफ कोई व्यक्ति उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके उसके पहनावे से, तो बिल्कुल समझ जाना कि ये झूठा ही होगा। सत्य की कॉपी नहीं होती, वो बिल्कुल मौलिक होता है। तो ये महाराज ने अपनी तरीके से जवाब दिया। चलो तो समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सवाल क्या था कि हम नींद से जागते हैं तो जागते ही हमें संसार प्रतीत होने लगता है, ये आता कहां से है? महाराज कहते हैं, कोई भी वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर सके, कोई भी वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर सके इससे पूर्व कोई होना आवश्यक है, जिसके निमित्त वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर प्रकट हो रही हो। वेदांत उपनिषदों में क्या कहते हैं, जगत है तो ऋषि क्या कहते हैं, शिष्य पूछता है जगत, ये जगत कहां से आया, किसने बनाया, तो ऋषि क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं जगत किसके लिए, जगत है तो किसके लिए है, पहले बात उसकी करेंगे। जिसके लिए जगत है अगर वही ब्रह्म है तो उसको पता नहीं क्या क्या दिख रहा होगा। एक ही वस्तु हर किसी के लिए अलग अलग होती है, इंसानों के लिए अलग होती है, जीव अन्य जीवों के लिए अलग होती है, और छोटे बच्चे के लिए अलग है, बड़े व्यक्ति के लिए अलग है। वस्तु दिखाई ही अलग देती है, बिल्कुल एक जैसी नहीं दिखती है, अलग अलग जगह खड़े होकर के देखोगे तो वो वस्तु अलग अलग कोण से अलग अलग प्रतीत होगी। आपके मन की अलग अलग स्थिति है, चेतना की अलग अलग स्थिति है, तो वहां पर आपको वस्तु अलग अलग दिखाई देगी। वस्तु एक ही है पर आपकी चेतना की स्थिति अलग है, लोग अलग अलग हैं, मतलब वस्तु दिखाई ही अलग दे रही है, और फिर उस वस्तु से आपका जो अर्थ है वो तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं, माने ऋषि कहते हैं शिष्य से कि संसार है, जगत है, मगर किसके लिए, पहले उसकी बात करो, वो कौन है, संसार है नहीं है, जो है जैसा है, वो सब किसी के लिए है। संसार हो उसके लिए किसी को होना पड़ेगा जिसके लिए संसार है। अभी कुछ समय पहले पास में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक। जब वो व्यक्ति जीवित था तब उसका यही सवाल था, संसार है, मैं हूं, तो उसका भी सवाल है यही कि संसार कहां से आता है। आज वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है
तो क्या उसके लिए आप संसार बचा भी? न संसार के लिए वो व्यक्ति बचा, न उस व्यक्ति के लिए संसार का कोई अस्तित्व है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु अस्तित्व में आ सके, कोई भी चीज जो तुम्हें अनुभव हो रही है, जिसका जो तुम्हें दिखाई दे रही है, जिसे तुम संसार कह रहे हो, वो अस्तित्व में आ सके, उसका अस्तित्व ग्रहण हो सके, उससे पहले कोई होना चाहिए जिसके निमित्त, माने जिसके लिए वह वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर प्रकट हो रही हो। जगत दृश्य, और जिसके लिए जगत है वो दृष्टा। तो दृश्य अस्तित्व ग्रहण कर सके उसके लिए दृष्टा को होना पड़ता है। दृष्टा ना हो तो दृश्य का कोई अस्तित्व नहीं। और आगे क्या कहते हैं कि सभी वस्तुओं की प्रतीति, माने वस्तु का अस्तित्व होना, उसका उदय होना और उसकी विलुप्ति, माने उसका लीन हो जाना, विलीन हो जाना। तो सभी वस्तुओं की प्रतीति और उसकी विलुप्ति होने की प्रक्रिया में, परिवर्तन में, माने वो प्रतीत होती है और फिर जैसे आप जागते हो तो धीरे धीरे जगत प्रतीत होने लगता है। और शाम तक, जैसे हम कहते हैं कि 12 घंटे 10 घंटे में शाम होती है, और जब सोने जाते हो तो धीरे धीरे सब विलुप्त होता जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है प्रतीति से विलुप्ति में, ये जो प्रक्रिया है, तो प्रतीति से विलुप्ति हो, विलुप्ति से प्रतीति हो, इस परिवर्तन की, इस प्रक्रिया में, इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि के रूप में एक परिवर्तन रहित तत्व को मानना ही होगा, उसे स्वीकारना ही होगा। वे कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कोई होना चाहिए जिसके लिए अस्तित्व ग्रहण हो रहा है, किसी वस्तु का अस्तित्व ग्रहण हो रहा है, माने कोई वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर रही है उसके लिए कोई होना चाहिए। उसी तरह कोई वस्तु विलुप्त हो रही है तो किसी के लिए विलुप्त हो रही है ना। अभी इसी क्षण हम बात कर रहे हैं, हर सेकंड लोग मर रहे हैं, हर सेकंड लोग पैदा हो रहे हैं दुनिया में, और हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं और 3.5 लाख के आसपास लोग पैदा होते हैं। ठीक, आपको कोई फर्क पड़ता है? आप सोचते भी हो? नहीं ना, क्यों? अगर कोई पैदा हो रहा है तो किसी के लिए पैदा हो रहा है, आपके लिए वो पैदा ही नहीं हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई हुआ, मरा, पैदा हुआ। तो वे कह रहे हैं कि ये जो विलुप्ति हो रही है और प्रतीति हो रही है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में कोई ऐसा तत्व होना आवश्यक है जो परिवर्तन रहित हो। माने परिवर्तन हो रहा है तो इन परिवर्तन के पीछे कुछ ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तन रहित हो। अगर परिवर्तन रहित नहीं है तो ये परिवर्तन नहीं हो पाएगा, परिवर्तन प्रतीत ही नहीं होगा आपको विलुप्ति का और प्रतीति का। आपने या तो कभी देखा हो या फिर इसको कल्पना कीजिए आप, ऐसे दो रेल की पटरियां हैं, दोनों पर दो ट्रेन खड़ी हैं। ठीक, आप खिड़की के पास बैठे हैं और बगल में जो ट्रेन खड़ी है उसमें भी एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है, मान लो आपका दोस्त। ठीक, और मान लेते हैं कि आसपास वो जो बीच में खंबे आते रहते हैं ना, हमारी ये जो ट्रेन होती है इनके बीच, ऐसा ट्रेन नहीं, बिल्कुल बढ़िया टेक्नोलॉजी से और AI से सबसे संचालित है, तो कोई भी चीज नहीं है बीच में। और क्या होता है कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं बिल्कुल बराबर गति से, बहुत तेजी से और बिल्कुल बराबर गति से दौड़ रही हैं, बिल्कुल रत्ती भर भी दोनों में अंतर नहीं है उनकी गति में। और यह मान लेते हैं कि किसी तरह की चीज बीच में नहीं आ रही है, खंबे, जाली, पेड़ पौधे कुछ, और हवा भी नहीं चल रही है, तो बाल भी नहीं उड़ रहे हैं। तो आपको और आपके दोस्त को क्या इस बात का पता भी चलेगा कि ट्रेन चल रही है? आप बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को देख रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि ट्रेन कब चलेगी, मोबाइल में टाइम देख रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हो कि ट्रेन कब चलेगी, क्योंकि आवाज भी बिल्कुल नहीं कर रही हो, बिल्कुल ऐसी ट्रेन है पता ही नहीं चल रहा है जब चलती है तब। तो आपको क्या लगेगा कि वो ट्रेन भी खड़ी है
और ये ट्रेन भी खड़ी है और दोनों गति कर रही है, पर आपको वो अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? गति होने के बावजूद भी क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसा अभी नहीं है आपकी दृष्टि में, आपके अनुभव में, जो स्थिर हो। अब कोई खंभा बीच में आता है, वो स्थिर एक जगह, तो आपको पीछे छूटता हुआ दिखेगा, पर कोई खंभा भी नहीं आ रहा तो आपको पता ही नहीं चल रहा। आप अगर खिड़की से झांक कर बाहर देखें तो आपको जमीन दिखेगी, जमीन स्थिर है वहां पर, जिस पर की ट्रेन गति कर रही है, तो आपको दिखेगा अरे जमीन तो पीछे छूटती जा रही है, पत्थर पड़े हैं, कंकड़ पत्थर, घास फूस, तो पीछे छूटते जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन तो बहुत तेज गति से दौड़ रही है, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। माने गति का, रूपांतरण का, परिवर्तन का, दौड़ का, समय का पता चल सके, अनुभव हो सके, उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तन रहित हो। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो विलुप्ति होती है, जब सोते हो तो धीरे 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 संसार विलुप्त होता जाता है, और जागते हो तो प्रतीति होती है, तो इन दोनों के आधार में या कहो इनकी पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तन रहित हो। मैंने तो रेलगाड़ी चलाई है, आपने अगर कभी चलाई हो तो देखा है जो पहिए होते हैं गाड़ी के, वो दोनों घूमते हैं, पर जो बीच में एक रोड लगा रहता है मोटा सा लोहे का, वो घूमता नहीं, वो स्थिर रहता है। पर कभी कभी वो पहिया घूमने लगता है तो गाड़ी बहुत आवाज करने लगती है और सही से नहीं चलती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, झटके लगते हैं। तो पहिए बहुत अच्छी तरह से घूम सके उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो घूम नहीं रहा है, स्थिर है, जिसके ऊपर पहिए घूम रहे हैं, है ना। तो महाराज का कहना है कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई एक परिवर्तन रहित, जो विलुप्ति और प्रतीति से मुक्त है, जिसकी ना तो विलुप्ति होती है ना उसकी प्रतीति होती है, जो उदय और अंत से बाहर का है, जो जन्म और मृत्यु से बाहर का है, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए ये हो सकती हैं प्रतीति और विलुप्ति, उसी के होने से। आगे प्रश्नकर्ता कहते हैं, जाग पड़ने से पूर्व मैं चेतना शून्य था, जब मैं जागा, जागने से पहले मैं चेतना शून्य था। महाराज कहते हैं किस प्रकार से? अब वे प्रश्न कर रहे हैं महाराज, क्या तुम स्मृति शून्य की तरह थे या कि अनुभव से रहित? प्रश्नकर्ता ने कहा कि जब मैं जागा उससे पहले मैं चेतना शून्य था, तो महाराज कहें कि किस तरह तुम चेतना शून्य थे, क्या तुम स्मृति शून्य की तरह थे या कि अनुभव से रहित थे? क्या अचेत होने पर तुम अनुभव करना बंद कर देते हो? क्या ज्ञान के बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव है? क्या स्मृति में व्यवधान तुम्हारे अस्तित्व रहित होने का प्रमाण है? और यदि तर्क संगत दृष्टि से भी देखा जाए तो क्या यह संभव है कि तुम अपने ना होने को वास्तविक अनुभव के रूप में व्यक्त कर सको? तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मन का अस्तित्व नहीं था? जब कोई तुम्हें पुकारता है तो क्या तुम निद्रा में भी जाग नहीं पड़ते हो? और जाग जाने पर क्या मैं हूं यही भाव सबसे पहले नहीं उठता? अतः सुषुप्ति अथवा मूर्छा भी चेतना किसी बीज की तरह विद्यमान रहती अवश्य है। जागने पर का जो अनुभव है वो कुछ इस प्रकार से गति ग्रहण करता है, मैं हूं, देह है संसार में, यह एक क्रमशः प्रतीत हो सकता है,
परंतु वस्तुतः यह सब एक ही समय में होता है। संसार में एक देहधारी होने का विचार मात्र, क्या यह या वह व्यक्ति हुए बिना मैं हूं का भाव उत्पन्न होना संभव है? ये ना इतनी भारी भाषा में बोलते हैं। मैं कभी कभी तो ये समझता हूं कि कोई मतलब नहीं रह जाता इन सारी चर्चाओं का। फिर एक साधारण व्यक्ति को तो समझ ही ना आए कहा क्या जा रहा है। इसलिए फिर जो कबीर साहब जैसे होते हैं वो गाते हैं, भजन गाते हैं, दोहे गाते हैं, फिर कथाएं लिखी जाती हैं, ताकि उनके माध्यम से आम इंसान को थोड़े सरल तरीके से बताया जा सके। बात यही होती है पर और सरल तरीके से। और फिर दूसरी बात ये भी है कि सबके लिए ये बातें होती नहीं है, क्योंकि जो अनाड़ी होते हैं उनको कोई बात ही समझ नहीं आती, ये क्या कर रहे हो, जागते हो सोते हो ऐसा वैसा, दो ट्रेन और दौड़ रही है, क्या बकवास लगा रखी है, खाने दो सोने दो, चलो भैया लाओ भोजन। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये है भी नहीं बातें, ये उन्हीं के लिए है जो या तो खा खा कर पी पी कर भोग भोग कर ऊब चुके हैं, ये जिन्होंने भोग की व्यर्थता को देख लिया है, माने जगत की व्यर्थता को देख लिया है, जिन्होंने देख लिया है कि जगत से कुछ पाकर के तृप्ति नहीं मिलेगी, बेचैनी नहीं मिटेगी, इसलिए भी भाषा थोड़ी ऐसी हो जाती है कठिन तरह की। तो प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि जागने से पहले मैं चेतना शून्य था। तो महाराज पूछते हैं कि किस प्रकार से तुम चेतना शून्य थे, क्या तुम स्मृति शून्य की तरह थे या कि अनुभव में या कि अनुभव से रहित। इसका अर्थ क्या है, स्मृति शून्य की तरह होना और अनुभव से रहित होना। देखो स्मृति माने जिसे हम अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं, स्मृति ये क्या होती है, ये होती है अभी इसी क्षण से लेकर के, थोड़ा लंबा समय लेता हूं, आज से पहले जितना भी आज तक का आपका अतीत रहा, आपके अनुभव रहे, जो भी आपने जाना सीखा अनुभव किया देखा सुना, आपका ज्ञान, आपके संस्कार, शरीर के संस्कार, मन के संस्कार, समाज से मिले संस्कार, शिक्षा से मिले संस्कार, देश दुनिया काल वातावरण से मिले संस्कार, वो जो अतीत है आपका, आपके मस्तिष्क में आपके शरीर में, वो है स्मृति। और अनुभव क्या है, अनुभव ये जो आप अभी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक, आप बैठे हैं, ठंडक महसूस हो रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, सर्दी गर्मी महसूस हो रही है, सुख दुख अच्छा बुरा शांति अशांति बहुत कुछ अनुभव आपको हो रहा होगा, ठीक, ये अनुभव है, माने अनुभव आपको अभी हो रहा है। और स्मृति पुराने अनुभव। तो महाराज पूछ रहे हैं प्रश्नकर्ता से कि तुम कह रहे हो मैं चेतना शून्य था जागने से पहले, तो तुम्हारी स्मृति शून्य हो गई थी या तुम अनुभव से रहित हो गए थे, माने क्या तुम अनुभव नहीं कर रहे थे, अभी जागे तब तो अनुभव हो ही रहे हैं, ठीक, जागने से पहले क्या तुम अनुभव नहीं कर रहे थे। अगला प्रश्न करते हैं, क्या अचेत होने पर तुम अनुभव करना बंद कर देते हो। आप इस पर विचार करिए, रुकिए और विचार करिए कि जब सो जाते हो तब चेतना शून्य हो जाती है या अनुभव होना बंद हो जाता है। तो पूछ रहे हैं वे, क्या अचेत होने पर तुम अनुभव करना बंद कर देते हो, क्या ज्ञान के बिना नॉलेज के बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव है, क्या ज्ञान के बिना, ज्ञान माने दोनों हो सकता है, एक तो ये जो अभी बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, जान रहा हूं ये ज्ञान, और एक जो संचित ज्ञान है, क्या इसके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव है। तो वे संचित ज्ञान की बात कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं, क्या स्मृति में व्यवधान तुम्हारे
अस्तित्व रहित होने का प्रमाण है? तो एक है स्मृति। तो वे पूछ रहे हैं, जब तुम सो जाते हो तब स्मृति शून्य हो जाती है, ठीक? स्मृति शून्य हो जाती है क्योंकि स्मृति का संबंध मस्तिष्क से है, ठीक? और मस्तिष्क हो जाता है शांत, तो स्मृति भी शून्य हो जाती है, शांत हो जाती है। तो महाराज पूछ रहे हैं आपसे कि क्या स्मृति में व्यवधान, माने स्मृति शून्य हो जाने से क्या तुम्हारे अस्तित्व रहित होने का ये प्रमाण है? स्मृति शून्य हो गई मतलब क्या तुम्हारा अस्तित्व मिट गया स्मृति के शून्य होने से? इसको सुषुप्ति अवस्था से छोड़कर जागृति में देखिए, तुम्हें स्मृति नहीं है अतीत की। अतीत माने जो अभी हमने बात की, पूरा अतीत, आज से अभी इसी क्षण से पहले का जो अतीत है, आपको उस अतीत का बोध नहीं है। पर क्या उस अतीत के, उस स्मृति के ना रहने से ये प्रमाणित हो गया कि आप नहीं है? क्या स्मृति के नहीं होने से आप अस्तित्व रहित हो गए? यहां पर सवाल किए जा रहे हैं आपसे, सोचना आपको है, विचार आपको करना है, ध्यान आपको देना है, बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा है आपसे, तो सवाल किया जा रहा है क्या ऐसा है क्या वैसा है। और मैं बस उन सवालों को थोड़ा और सरल करके आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि तर्क संगत दृष्टि से भी देखा जाए तो क्या यह संभव है कि तुम अपने ना होने को वास्तविक अनुभव के रूप में व्यक्त कर सको? अभी एक बात बताओ, ये जो वीडियो चल रहा है ना आपके सामने, इस वीडियो में मान लो थोड़ी देर में कहीं पर मौन रहा, मान लो एक मिनट, ठीक? अब वो एक मिनट का मौन रहेगा, आप सुनोगे नहीं, तो मैं उसको कट करूंगा, पर क्या आपको पता चलेगा? क्योंकि मैंने जो एक मिनट का जो मौन था उस पार्ट को तो हटा दिया, और जहां से मौन नहीं था उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, जहां से बोलना बंद किया था और जहां से वापस चालू किया दोनों को जोड़ दिया, तो आपको तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप थे ही नहीं जब मैंने उस मौन के समय को कट करा, जो मौन वाला पीरियड था उसको मैंने कट करा, आपको उसका पता नहीं, आप थे नहीं क्योंकि यहां जब मैंने कट करा, है ना? तो मतलब जहां से मैंने बोलना बंद करा था, है ना, माने उसको कह दो विलुप्ति, सुषुप्ति, जहां से आप सोने जाते हो, और जहां से वापस मैंने बोलना शुरू किया, माने वापस से प्रतीति हो रही है, अगर उसके बीच में आप नहीं थे तो आपको पता नहीं चला कि यहां पर मौन भी था, ठीक? मगर मैं था तो मुझे पता है कि यहां पर मौन भी था, ठीक? तो आप कहते हो कि सुषुप्ति के दौरान जगत नहीं था, सुषुप्ति के जागता हूं तो जगत प्रतीत होता है, सोता हूं तो विलुप्त तो हो जाता है, और जब सो रहा होता हूं तब मुझे जगत का अनुभव नहीं होता था। तो जगत का अनुभव नहीं होता था, उसी तरह तुम्हें, तुम्हारा भी अनुभव नहीं हो रहा था कि तुम भी हो, तो ये तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा था? अब तुम जागोगे तो घड़ी में टाइम देखोगे, अरे टाइम इतना हो गया, हाँ, तब तुम्हें इस बात का बोध होगा कि मैं सोया था। बाहर गए तो सूरज देखोगे, अरे सूरज उदय हो गया, तो आप कहोगे कि इतना समय हो गया। अगर जागने और सोने और जागने इन दोनों के बीच में आप नहीं थे, आप कहो कि मैं था ही नहीं, ठीक? अगर आप नहीं थे और मान लेते हैं कि घड़ी में समय ना हो और बाहर सूरज बिल्कुल ना बदले, ये जो बाहरी वातावरण है, जगत है, इसमें कोई बदलाव ना हो, तो फिर आपको इस बात का बोध होना ही नहीं चाहिए कि आप सोए, आप सो रहे थे, इसका बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही एक मिनट का जो बीच का मौन था ना, वही पार्ट है, और इसको मैंने कट कर दिया। अगर इस दौरान मैं नहीं था तो फिर मुझे उसका पता भी नहीं होना चाहिए, आप नहीं थे तो आपको उसका बोध, उसका अनुभव नहीं होना चाहिए। और जब तुम सो रहे थे
तब अगर तुम नहीं थे तो तुम ये कैसे कहोगे कि तुम नहीं थे? तुम किस तरह इस बात का दावा करोगे? जब तुम थे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम थे कि नहीं थे? तुम कैसे कह रहे हो? तुम कौन होते हो कहने वाले? तुम्हारे 100 किलोमीटर दूर कहीं कुछ हो रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है, तो कुछ हो भी रहा है तो तुम्हें क्या पता? तुम चूंकि मौजूद नहीं हो तो तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई बात कोई घटना क्यों घट रही है, क्या कारण है, क्यों लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि तुम मौजूद नहीं हो वहां। उसी तरह सुषुप्ति के दौरान अगर तुम थे ही नहीं तो तुम इस बात को भी वास्तविक घटना कैसे कह पाओगे कि वहां कुछ नहीं हो रहा था, मैं नहीं था? तुम नहीं थे ये कहने के लिए तुम्हें होना पड़ेगा ना। तुम कह रहे हो मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, तो फिर कौन कह रहा है कि मैं हूं ही नहीं? तो महाराज कह रहे हैं कि तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मन का अस्तित्व नहीं था। जब तुम सो रहे थे, प्रश्नकर्ता ने कहा था कि जागने से पूर्व में चेतना शून्य था, मैं चेतना शून्य था। तो महाराज कह रहे हैं कि तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मन का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि अभी कोई आकर के तुम्हें पुकारता है, वो पुकारेगा तो भले ही तुम नींद में हो लेकिन फिर भी जाग जाओगे। अब ध्यान से समझो, जब आप जागते हो, ध्यान देना इस बात पर, स्मृति से देखो कि जब भी आप जागे सबसे पहला बोध किस बात का होता है? जब आप जागते हो तो जागने पर सबसे पहला बोध आपको इसी बात का होता है कि आप हो, माने मैं हूं। सबसे पहला बोध इस बात का होता है कि मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। ये बातें, ये बहुत तेज बहुत गति से होता है, एक साथ होता है, पर सबसे पहला बोध क्या होता है? मैं हूं। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि जब मैं सो रहा था तब चेतना शून्य था। महाराज कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था हो या मूर्छा की अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति की अवस्था हो चाहे मूर्छा की अवस्था हो, जो चेतना है वह किसी बीज की तरह विद्यमान रहती है, विद्यमान अवश्य रहती है। जैसे आपने वो देखा है, ये जो दुकानें होती है ना, समोसे कचौरी लोग बनाते हैं ना, दुकानें बड़े ढाबे होते हैं, वहां पर जो जैसे पोहा बना रखा है ठीक, तो उसके नीचे वो जो चूल्हा होता है, गैस चूल्हा या भट्टी, उसमें थोड़ी थोड़ी आग जलती रहती है। लालटेन का भी आपने देखा होगा कि लालटेन जब हमें बंद करनी होती है हम बिल्कुल बंद नहीं करते उसको, थोड़ी सी उसमें आग जलती रहती है ताकि तेल बहुत कम खाए, गैस बहुत कम खाए, पर दोबारा हमें उसको चालू ना करना पड़े बार बार, है ना। तो एक तरह से गैस बंद भी है पर एक तरह से चालू भी है। तो जो चेतना है ना, माने जिसके लिए जगत है, शुरू में प्रश्न यही था ना, कहां से आया जगत, जिसके लिए जगत है, जिसके लिए अनुभव है, जिसके लिए वस्तुएं हैं, जिसके लिए विचार है, वो जो चेतना है, वो चेतना चाहे आप सुषुप्ति अवस्था में हो चाहे मूर्छा की अवस्था में हो, तब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, बीज रूप में विद्यमान रहती ही है। कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल है, उंगली तक नहीं हिला पा रहा है, होंठ तक नहीं हिल पा रहे हैं, आंख तक नहीं खोल पा रहा है, बाकी शरीर का तो फिर छोड़ ही दो, मगर तब भी चेतना विद्यमान है। तो जब आप सो करके जागते हो तो सबसे पहले क्या क्या अनुभव होता है? मैं हूं। फिर पता चलता है मैं देह हूं, शरीर हूं, अपने शरीर के माध्यम से पता चलता है। अब हम रोज रोज कहते नहीं है कि मेरा ये नाम मेरा वो नाम, पर शुरुआत यहीं से होती है, मैं हूं, एक शरीर है, और बहुत तेज होता है और फिर पता चलता है संसार, ये चीजें दिखाने लगती है ना, चीजों के नाम हमें पता चलते हैं, अगर अरे यहाँ ये वस्तु रखी है, वहां वो वस्तु रखी है, अच्छा ये केन वो वस्तु, ये कपड़ा वो टेबल कुर्सी, इस तरह देखें तो कैसा लगता है कि जैसे थोड़ी देर पहले ये सब नहीं थे,
और एक एक करके अस्तित्व ग्रहण कर रहे हैं, पर ये सब एक साथ आपको अनुभव होते हैं। दृष्टा और दृश्य एक साथ आते हैं। कोई देख ही नहीं रहा है तो दृष्टा हुआ नहीं, और कुछ कुछ देखा नहीं जा रहा है तो दृश्य हुआ नहीं। तो कुछ देखा जा रहा है इसीलिए कोई देख भी रहा है। तो दृष्टा और दृश्य एक साथ आते हैं, या फिर कह दो कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसी को दृष्टा और दृश्य एक है ये भी कहा जाता है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, कृष्णमूर्ति भी कहते हैं इस तरह से। और हम भी कहते हैं कि अगर एक ही वस्तु और सबके लिए अलग अलग अर्थ रखती है, सबको अलग अलग प्रतीत होती है, तो वो क्या है? वो देखने वाले का ही तो प्रक्षेपण है। वो जो है जैसी है नहीं है, देखने वाले के लिए ही तो है। कभी कोई आपके बगल में सोता हो और उसको नींद आ रही है, देखना, तब थोड़ा विचार करना इस बात पर कि कोई आपके बगल में सो रहा है बिल्कुल गहरी नींद में और आप जाग रहे हो, तब देखना कि कितनी सारी चीजें हैं, घर है, परिवार है, दुनिया है, आसपास के लोग हैं, सब हैं। किसके लिए? आपके लिए। वो जो सो रहा है आपके बगल में, क्या उसके लिए जगत का कोई अभी अर्थ है? जगत है, पर जो है वो आपके लिए, उसके लिए नहीं है। तो चेतना की स्थिति बदलती है तो अनुभव बदल जाते हैं, प्रतीति बदल जाती है, मगर चेतना किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहती है। अभी एक तरह की चेतना है तो उसको इस तरह का अनुभव हो रहा है, ये चेतना बदलेगी तो उसके अनुभव बदल जाएंगे। शराब पी लो, अगर थोड़ा नशा होगा तो आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव होने बदल जाएंगे। अब प्रश्नकर्ता का अगला प्रश्न क्या है? मैं देह नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, इस ज्ञान से क्या लाभ होगा? मैं क्या हूं? ये प्रश्नकर्ता के आगे के प्रश्न है।